वहीं धार में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश के चलते नदी नाले इस तूफान पर हैं। बदनावर में बलवंती नदी की पुलिया पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से बाद भी लोग वहां से आ जा रहे हैं। और ऐसे में एक 10 साल का बच्चा अपनी साइकिल से पुलिया को पार कर रहा था, लेकिन वो तेज बहाव के साथ पानी में बह गया और काफी देर के बाद बच्चे का शव 1 किलोमीटर दूर मिला। बच्चे का पुलिया पार करते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सबका सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के बहाव के साथ वो बच्चा बह गया। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि बच्चों को ऐसी खतरनाक जगहों से दूर रखें। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बहाव बढ़ रहा है, लगातार जो बारिश हो रही है उससे नदी और नाले इस तूफान पर है, और ऐसे में पुलिया के ऊपर से भी पानी गुजर रहा था, लेकिन एक छोटा बच्चा अपनी साइकिल से पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का जब तेज बहाव आया तो वो पानी के साथ ही बह गया। हालांकि इसको ढूंढने की काफी कोशिश की गई, जिसके करीब 1 किलोमीटर दूर बाद बच्चे का शव बरामद किया गया है। इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों से अपील की जाती है कि अपने बच्चों को इस समय ऐसे स्थलों से, ऐसी जगहों से दूर रखें जहां पर कोई भी घटना घटित हो सकती है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी इस तरीके कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चे पुलिया को पार करते हैं या सड़क को पार करते हैं, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो उस पानी के साथ ही बहते हुए चले जाते हैं और फिर कई किलोमीटर दूर जाकर बच्चों के शव बरामद होते हैं।